राम 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 राधे श्याम 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 नाम जपिए नाम के महिमा है कल केवल मल मूल मलीना पाप पयो निज जनमन मीना पाप पयो निज जनमन कल केवल मल मूल मलीना कल केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जनमन कलयुग में केवल नाम की महिमा बताई है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल हरि गुण करो, हरि गुण गाओ, हरि गुण गाओ, हरे नाम कलयुगम केवलम, केवल नाम का आश्रय ले लो तर जाओगे। भव से पार उतरना है तो नाम जपना प्रारंभ कर दो। अच्छा, नाम जपने की भगवान ने कोई आपके लिए बंदिश भी नहीं लगाई, जहां मर्जी जप ले, कहीं भी जप ले। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, मैं कोई भी काम करता हूं तो भगवान के नाम का जप करने में मन नहीं लगता, और जब मैं शौचालय में जाता हूं, शौच करने के लिए बैठता हूं, तब राम 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 निकलता है। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, जहां निकलता हो वहीं करो, हो सकता है तेरे जीवन का शाम कभी शौचालय में ही हो जाए तो कम से कम कल्याण तो हो जाएगा। जहां भी समय मिले, जो भी स्थान मिले, चलते फिरते खाते पीते बातचीत करते करते मन से राम 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 करते रहो, बात भी करते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, वासना की गठरी को दूर करते चलो, दूर करते चलो। जी जन्मान जन्मांतरों की जो वासनाओं की गठरी का, जो गठरी का बोझ हमारे सिर पर रखा हुआ है, वो केवल मिटने वाला है केवल राम नाम के जप से, और कोई नहीं मिटा सकता। निंदा चुगली करोगे, काना पुसी करोगे तो बढ़ेगा, मिटेगा नहीं। लेकिन कलयुग में लोगों को काना पुसी निंदा चुगली करने की, उस मिठास को सुनने की ज्यादा आदत हो जाती है। अगर कान में किसी ने कोई बात किसी के लिए कही और मान लो ना सुनी, तो उसके मुंह पे कान रख देंगे, जरा दोबारा बोलना, सुना नहीं मैंने। जब दोबारा सुना तो सुना, हाँ 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 तू सही बोल रहा है, तू सही कह रही है, पड़ोसन ऐसी है, उसने ये कर दिया, पड़ोसी ऐसा है, उसने ये कह दिया। अरे क्या चक्कर है तुम्हारा, क्या रखा है इन सब चीजों में? सत्संग करो। अब ये नहीं है कि सत्संग कहीं विशेष जगह पे हो रहा है,
वहीं जाके तुम सत्संग करोगे। सत्संग घर में भी हो सकता है, श्रद्धा से, भाव से, विश्वास से। घर में भी सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम भाव से गालो, बस 5-10 मिनट सत्संग हो गया। उससे जो कुतर्क वाली बुद्धि है ये शुद्ध बन जाएगी, सात्विक बनी रहेगी। नहीं तो आज के युग में व्यक्ति के मन में होड़ लगी है, ये हमसे आगे न निकल जाए, ये हमसे आगे न बढ़ जाए, इसको नीचा दिखाओ, ऐसी बहस है आज के युग में। और ऐसी बहस करने वाले कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, वो ना इधर के ना उधर के। तुमसे कोई ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, तुम सहज रहो, सरल बने रहो। और एक बात और बताऊं, ध्यान रखना कि अगर आपकी कोई निंदा व्यक्ति कर रहा है तो निंदा करने वाला अपने पुण्यों को उसको दे रहा है, ये ध्यान रखो। आप किसी की निंदा कर रहे हो तो समझो आपकी पुण्यों का क्षीण हो रहा है, आपके पुण्य उसको जा रहे हैं, उसका पाप तेरे सिर पर आ रहा है। करो निंदा, जिंदगी को नरक बनाना है तो निंदा चुगली करो, रात दिन करो, किसी ने को रोका थोड़ी है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी हानि है, हानि अपनी है, किसी और की नहीं है। इसलिए सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, क्या पता है मानव धर्म, ये मानव देह दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता। कलयुग में बताया है कि कलयुग में जो व्यक्ति मेरे नाम को जपेगा उसी को मैं मिलूंगा। अब सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में तो बात अलग थी। सतयुग में अगर 10 नगरों में, 10 शहरों में अगर कोई एक भक्त होता था तो 10 नगरों को ताड़ देता था, एक भक्त। द्वापर में अगर एक गांव में एक भक्त होता था तो पूरे गांव को ताड़ देता था। त्रेता में एक घर में एक भक्त होता था तो पूरे घर को ताड़ देता था। और कलयुग में तो जो करोगे, जो करेगा उसी को फल मिलेगा। जैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए सुंदर बीज आरोपण करो राम के नाम का। सबसे बड़ा सुंदर जो बीज है वो राम के नाम का है। इसका बीज आरोपण करो तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आपकी अकल ठिकाने रहेगी, बुद्धि में विकास होगा। संतों का सम्मान करो, संत द्वार पे आ जाएं तो उनका सत्कार करो, जो मांगे उनको दो। संत का आशीष, उनका आशीर्वाद कब आपके उनके मुख से निकल जाएगा और कब आपके वो आशीर्वाद आपके जीवन को बचा लेगा। जब कोई दवाई काम नहीं करती, जब कोई दवा काम नहीं करती, वहां दुआ काम करती है, वह आशीर्वाद काम करता है। इसलिए कलयुग में कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, चलते रहो, जपते रहो, चलते रहो। फिर आप देखो, जब आपका जप 1 करोड़ से अधिक हो जाएगा तो आपको कुछ महसूस होने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा, फिर आपकी सहज समाधि लग जाएगी। प्रभु का वो स्वरूप, प्रभु की वो झांकी का अवलोकन आपको समाधि में दिखने लगेगा, आपको साक्षात्कार होने लगेगा। इसलिए कहा है तुलसीदास जी ने कहा कि गावत नर पावई भव था, कि जो व्यक्ति गाएगा
उसी व्यक्ति को यहां से तरने का मौका मिलेगा। वही व्यक्ति संसार सागर से तर जाएगा, अन्यथा ये नहीं है कि चलो कोई बात नहीं आज नहीं कल करेंगे। भगवान के नाम को व्यक्ति कल के पर टालता है ज्यादातर, चलो आज मूड नहीं है तो कल गा लेंगे, कल चले जाएंगे, कल कर लेंगे। लेकिन ऐसे काम को, भगवान के काम को टालने का प्रयास मत करो। भोजन करने के लिए समय मिलता है, मिलेगा, निकालना ही पड़ता है। जब भूख लगती है वो त्रास आपको कोई काम नहीं करने देती है तो समय निकालेगा। बच्चों ने कहा पापा जी घूमने जाना है, नहीं जाएंगे तो श्रीमती जी कलेश कर देंगी, घर में रहना है तो जाना पड़ेगा। और सब चीजों के लिए तो समय है, लेकिन भगवान के लिए कल है। कल नहीं, आज करे सो अब, क्या पता कल का। पल में प्रलय होगी बहुर करेगो कब, जब प्रलय हो जाएगी संसार मिट जाएगा, हम मिट जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं। इसलिए शुभ से शीघ्रम और शुभ से काल हरणम, शुभ कार्य अगर मन में आए, अगर दान करने के मन में आए तो कर डालो, मन बहक जाएगा। बच्चे मन को बहका देंगे, पत्नी मन को बहका देगी, पति मन को बहका देगा, संसार वाले और हितैषी मन को बहका देंगे। अरे क्यों चक्कर में पड़ते हो, क्या है सब बेकार की बातें हैं, मत करो, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, अंधविश्वास है। आज के युग में ऐसे लोग बहुत हैं, उनसे बचो। जो ऐसा कहते हैं ध्यान रखना, वो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, सबसे बड़े शत्रु हैं। जो शुभ कार्य के लिए रोके, धर्म के कार्य के लिए रोके, दान पुण्य सत्संग कथा के लिए रोके, वो सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए ऐसे लोगों से बचो, ऐसे व्यक्ति अपना तो जीवन खराब करते ही हैं औरों का भी खराब करने में लगे हैं, उनका काम ही यह है। शुभ काम को शुभ से शीघ्रम, जल्दी से जल्दी करो। और कहा कलि केवल मल मूल मलीना, और पाप पयोनिधि जन मन मीना, कि कलयुग में केवल नाम जपने से ही हमारे जो जन्म जन्मांतरों की जो पाप है, मैल है, वो धुलते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज क्या करें, हमारी बुद्धि कोई काम नहीं करती, आलसी हैं, प्रमादी हैं, कोई काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि वो राम नाम के आलसी हैं, भोजन के होशियार हैं, खाया सोया, खाया और सोया, खाने को चाहिए अच्छे अच्छे पदार्थ, और भजन करने के लिए कहें तब ये घंटे सो लेते हैं, उसके बाद करेंगे। कई लोग बड़े आलसी होते, प्रमादी होते हैं। कई लोगों का काम यही है, कहीं सत्संग कथाओं में जाते हैं। एक बार हमारे साथ में एक सज्जन था, तो उसका काम बस यही था, कई साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, काम के लिए कहें वहां जी कर लेंगे, अभी कर लेते हैं बस, कुछ मैं जलपान करके आता हूं, ठीक है जाओ, और वो जलपान करने में ही सारा दिन निकाल दे। बुलाएं तो जाकर के कहे भंडारे से चाय बन गई क्या भैया, चाय बन गई, बोले हाँ बन गई, चाय पी और सटक गई। यानी कि जो आलसी प्रमादी व्यक्ति होता है वह काम से बहुत बचता है, काम का चोर होता है, और जिसके जीवन में आलस्य है, आलस्य कतो धनम, आलस्य कतो विद्या, आलस्य कतो सर्वस्वम, जहां आलस्य है न वो विद्या प्राप्त कर सकता,
जहाँ आलस्य है ना वो धन प्राप्त कर सकता, जहाँ आलस्य है ना भगवान का जप कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। पेट भरा और श्वान की तरह सो गया। श्वान में कम से कम, श्वान माने कुत्ता, उसमें कम से कम इतना तो होता है कि कोई मालिक के घर पे आए तो भोंक भोंक करे उसको दूर तो कर देता है, इतना तो सबचन तक होता है, लेकिन जीव तो उससे भी गया बीता हो गया। ऐसा न बने। कहा है कि हरिगान करने वाला व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है और अपने पापों को समन कर सकता है। तो यहां मां सरस्वती की कृपा के बिना व्यक्ति को बाघ सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, और सिद्धि भी तब होती है जब व्यक्ति एक रास्ते पर चलता है। अगर मान लो आपने कोई मंजिल पर जाना है और उस मंजिल पर जाने से पहले कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, कभी बैठ जाएं कभी आलस्य कभी प्रमाद, तो जिस समय पर आपको पहुंचना चाहिए उस समय पर नहीं पहुंच पाएगा, उसके लिए वो मंजिल बहुत दूर है। इसलिए सत्संग करोगे तो व्यक्ति की बुद्धि भी सात्विक बनी रहेगी और परमात्मा से मिलना भी होता रहेगा, कृपा भी बरसती रहेगी और तेरा काम भी चलता रहेगा। सत्संग करो। ये महिमा है सत्संग की। कि सारद दारू नार सम स्वामी राम सूत्र धर अंतर जामी, कि जही पर कृपा करही जनु जानी कवि उर अजिर नचावही बानी। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है सोपाई में। कहा है कि जो व्यक्ति आलसी होता है उसको उपाधि दी है, जैसे व्यक्ति दारू पी करके मदमस्त होता है, उससे कोई होश नहीं होता, चलते फिरते भी 10-5 थप्पड़ मार जाए तो कोई होश नहीं है। और कहा है कि जब कृपा भगवान की जिस पर होती है तो उसी को ही भगवान अपनी शरण में लेते हैं, अन्यथा घूमते रहो। जब तक घर के द्वार पर नहीं आओगे तो आपको क्या पता कि हमें घर में जाना है। द्वार पर आने की बात पर तो कुंडी खुलेगी, आप द्वार पर पहुंचोगे और पहुंच करके वहां आप बैल बजाओगे तभी तो गेट खुलेगा, तभी प्रवेश होगा। ध्यान देना, जब तक हमारे अंतरपट नहीं खुलेगा, अंतर मन हमारा जब तक मन नहीं कहेगा कि हम राम की शरण में जाएं, तब तक तुम नहीं जा सकते। तभी जा पाओगे जब राम की कृपा हो जाएगी। कृपा जब होगी तो संसार से वैराग्य हो जाता है अपने आप। उस वैराग्य के लिए कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। उस वैराग्य के लिए आपको जंगल में जाने की, वन में जाने की आवश्यकता नहीं। जब कृपा हो जाए तो घर में भी हो जाएगी। गए थी हरि भजन को ओटन लगे कपास। जड़व्रत जी घर छोड़ करके गए थे भजन करने के लिए, लेकिन वहां भी मोह कर बैठे। तो भगवान की कृपा तुझे घर में भी हो सकती है अगर मन शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो, जिभ्या शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो, तो वहां भी कृपा हो सकती है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 सुनी रहती सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, न हो आदत तुम्हारे। वो कृपा निधान है, कृपा के सागर है, कृपा के भंडार है। जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, ओ दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती, तो किस दिल में होती तो हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बाज साहत तुम्हारी, गरीबों से है बाज साहत तुम्हारी, सुनी अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो
द्रगबंधु जी का ये पद है, कृपा की ना होती आदत तुम्हारी। अगर भक्तों के ऊपर कृपा नहीं करते तो प्रभु आपको कौन पूछता। द्रगबंधु जी महाराज, बिंदु जी गोस्वामी जी, बिंदु जी महाराज ये भी कथा किया करते थे। तो जब कथा करने जाया करते थे तो घंटों पहले सजते थे, घंटों पहले सजा करते थे। तो जिस सेठ के यहाँ एक बार एक कथा करने के लिए गए तो सेठ ने पूछा, महाराज आप कथा करते हो और घंटों सजते हो कथा में आने से पहले। बिंदु जी ने जवाब दिया, सेठ जब तू जगत की नौकरी करता है तो तू इतना सजता है, मैं तो जगदीश की नौकरी करता हूं, तुझे आपत्ति क्या है। यह भावना होनी चाहिए, सजो तो राम के लिए, श्रृंगार भी करो तो राम के लिए, कोई भी काम करो तो राम के लिए करो। इसलिए प्रभु कृपा निधान है, करुणा निधान है। अब कुछ सोचना है ये श्रवण करेंगे, उसके बाद में फिर कथा में प्रवेश करेंगे। हमारे बीच में श्री राधा माधव सेवा जन कल्याण समिति के प्रधान श्री सुनील वर्मा जी आए हैं मेरे व्यासपीठ से बहुत बहुत, और उनकी पत्नी श्री, मैं तो राधा रानी कहता हूँ उनको, नाम तो वैसे उनका अंजलि वर्मा है। तो बहुत बहुत शुभाशीष और आशीर्वाद, शुभकामना। अच्छा, और गौशाला के लिए सुनील वर्मा जी ने 5100 रुपये भी दिए हैं, इनके लिए करतल धोने से बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि ये कथा ही गौशाला के निर्माण के लिए हो रही है। बहुत बहुत आशीष।
आप सभी लोग भी इस गोदान में दान करके पुष्पीय भागीदार बने। बाहर हमारा काउंटर लगा है, स्वागत कर पे पर्ची प्राप्त कर